हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. दिस इज आवर इंग्लिश वीडियो फॉर क्लास 9 फ्रॉम बुक मूवमेंट्स एंड द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, थर्ड चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन आवर सेकेंड वीडियो एंड सेकेंड पार्ट हमने देखा कि जो ईश्वरन है उसने एक लकड़ी से क्या किया था, वेस्ट कर दिया था थर्ड टोनेल ऑन द क्विक. थर्ड टोनेल का मतलब है पैर के तीसरे नाखून पर. टो का मतलब होता है कि जो पैरों की उंगलियां होती है जिसको टी ओ ई टो कहते हैं, तो तीसरी जो उंगली थी उसके नाखून पर उसने वेस्ट किया, उस छड़ी से उसको मार दिया उसके पैर के नाखून पर. द बीस्ट लुक डिस्टर्न, और वो जो एलिफेंट था वो भौचक्का का रह गया, स्टंड रह गया फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर सर से लेकर पैर तक वो कांपने लगा. देन कॉलैप्स, फिर वो धराशायी हो गया. कॉलैप्स का मतलब है धराशायी होना और नीचे गिर जाना. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस पॉइंट पर आकर के ईश्वरन ने अपनी कहानी को अनफिनिशिंग छोड़ दिया. एंड गेट अप मम्बलिंग, और ऐसा खड़ा हो गया, मतलब अधूरी छोड़ करके वो मम्बलिंग करने लगा, बड़बड़ करने लगा. आई विल बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं अभी वापस आता हूँ गैस को जला करके और जो डिनर का खाना है उसे गर्म करके. महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. महेंद्र जो कि उसका सर था, एंड हु हैड बिन लिसनिंग दिस स्टोरी, और जिस इस स्टोरी को रैप्ट के साथ पूरे रैप्ट अटेंशन यानी कि बहुत ध्यान से जो सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो क्या रह गया, अनिश्चय की अवस्था में रह गया. हैंगिंग यानी कि लटकता ही रह गया कि भाई क्या हुआ, ये अधूरी कैसे छोड़ के चला गया. वैन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता था, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, यानी कि जब भी कभी वो अपनी स्टोरी को अधूरी छोड़ता, अनफिनिश छोड़ता. एंड वैन ही रिटर्न देन ही वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो वो अपनी स्टोरी को, कहानी को कैसे, वो वहाँ से नहीं उठाता था जहाँ से उसने छोड़ा था. महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा को याद दिलाना पड़ता था दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि अभी जो कंक्लूजन है, जो समापन है, वो पेंडिंग है. उसको याद दिलवाना पड़ता था कि उसने कहाँ से स्टोरी छोड़ी है. अब वो स्टार्ट कर रहा है, उसने, महेंद्रा ने उसको रिमाइंड करवाया है कि कहाँ से स्टार्ट कराना है, कि एलिफेंट कॉलैप्स्ड हो चुका था. वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिव्यू द एनिमल, वो आगे कहता है कि अब जो पशु चिकित्सक है यानी कि जानवरों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, कि जो वेटनरी डॉक्टर है, समन का मतलब होता है वॉज समन यानी कि बुलाया गया. वेटनरी जब वो बेहोश हो गया था, कॉलैप्स्ड हो चुका था एलिफेंट, तो वेटनरी डॉक्टर को समन किया गया, बुलाया गया टू रिव्यू, किसके लिए, कि भाई उसको देखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, कि भाई क्या है, रिव्यू है उसके संबंध में. तो टू रिव्यू द एनिमल, एनिमल के संबंध में उस जानवर के उपचार के लिए उसको क्या किया गया, जानवर के डॉक्टर को वहां पर बुलवाया गया. ईश्वरन वुड श्रग कॉजली. टू डेज लेटर, अब यहाँ पर जब पशु चिकित्सक को बुलवा लिया गया था उसको सही करने के लिए, तो फिर क्या कहता है ईश्वरन, कहता है कि दो दिन के बाद क्या हो गया, टू डेज लेटर, दो दिन बाद इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महोत टू द जंगल, इसको जंगल में छुड़वा दिया गया उसके महावत के द्वारा. तो उसने कहा कि जब वो बेहोश हो गया था तो पशु चिकित्सक को बुलवाना पड़ा, बुलवाया गया, और उसकी, मैं समझता हूँ कि श्रीमान वागे कहता है ईश्वर वुड श्रंक कैजुअली, और वो बड़े ही कैजुअली ढंग से क्या कह रहा है, बड़े ही आराम से कह रहा है कि फिर उसको उसके महावत के द्वारा जंगल में छुड़वाया गया. वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, फिर मैंने कहा तुमने ये सब मैनेज कैसे कर लिया, इतना सब कुछ तुमने ये कैसे कर दिया. ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस बीस्ट को, उस जानवर को कैसे गिरा दिया, कैसे गिराया. तो वो आगे कहता है इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, तो वो क्या कहता है कि इसका संबंध एक जापानी कला से है. तो इट हैज समथिंग, ये एक ऐसा है कि इतने बड़े जानवर को कि भाई बेहोश कर देना, तो इसका
संबंध किसी जापानी कला से, जापानीज कला से? आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड। और ये जापानी जो कला है सर, मुझे ऐसा लगता है इस कला को क्या कहते हैं, या तो कराटे कहते हैं या जुजित्सु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, और मैंने इस कला के बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्प्रेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, ये क्या करती है कि नर्वस सिस्टम को अगर हम किसी के नाखून पर मार देते हैं, किसी के पैरों की उंगलियों के नाखून पर, तो ये टेम्प्रेरी कुछ देर के लिए क्या करती है, हमारी नसों को, यानी कि जो हमारे कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देती है नर्व्स को, नर्व्स यानी कि नसों को सुन कर देती है। तो क्या किया था उसने भी, हाथी के नाखून पर दे मारा तो वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो चुका था। तो ऐसा उसने कहा, ये कोई जापानी कला थी और मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि इट नॉट अ डे, कि एक दिन भी पास्ट, एक दिन भी नहीं गुजरता था जब ईश्वरन, ईश्वरन रिकाउंटिंग, कि ईश्वरन क्या करे, साहसिक, एडवेंचर का मतलब है साहसिक, डर और निश्चय से भरी हुई कहानियों का वर्णन ना करता हो। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि नॉट अ डे पास्ट, एक दिन भी पास नहीं होता था विदाउट, कि किसके, कि ईश्वरन विदाउट, ईश्वरन काउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, यानी कि ऐसी कहानियों को सुनाए बिना वो एक दिन भी नहीं रहता था, ऐसी कहानियों का वर्णन करे बिना एक दिन भी नहीं रहता था जो कि एडवेंचर हॉरर और सस्पेंस से भरी पड़ी हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी सच्ची हो या नहीं हो, चाहे वो कहानी पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, मतलब हर दिन वो कोई ना कोई नई नई कहानियाँ क्या कर लेता था, बना लेता था, नई नई कहानियाँ वो बनाता रहता था, चाहे कहानी विश्वास करनी हो। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय और नहीं। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट, लेकिन महेंद्रा को बड़ा मजा आता था इनको सुनने में, बिकॉज ऑफ इनिमेटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि जिस तरीके से वो इनिमेटेबल वे से, यानी कि जिस तरीके से वो इनिमेट करके, जिस तरीके से वो उसको अनूठे अंदाज में वो उसको सुनाता था, वो अंदाज उसे बड़ा पसंद आता था। ठीक है, महेंद्र को उसे सुनने में बड़ा मजा आता था क्योंकि इसे सुनाए जाने का ढंग अनूठा होता था, कुछ अलग ही ढंग होता था, इनिमिटेबल वे, अनूठा तरीका होता था, नकल कर करके उसको सुनाया जाता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर। तो ऐसा लगता था कि ईश्वरन महेंद्र के रहने के क्वार्टर में टीवी की एब्सेंस को, यानी कि टीवी की कमी को मेकअप करता है, यानी कि भरपाई कर देता है, पूरा कर देता है। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक दिन सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, क्या मैं आज आपके लिए रात्रि के खाने के लिए कुछ स्पेशल बना दूं? सर आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आखिर आज बड़ा शुभ दिन है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि आज पवित्र दिन होना, शुभ दिन होना। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, और परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आर एंसेस्टर्स टुडे सर, क्योंकि आज बड़ा पवित्र दिन और शुभ दिन है और परंपरा के अनुसार हमें हमारे एंसेस्टर्स को, यानी कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को कुछ अच्छा डिलीशियस खाना क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। तो हमारे एंसेस्टर्स की आत्माओं को के लिए हमें एक प्रिपेयर करना चाहिए डिलीशियस फूड, तो इसलिए क्या डिनर में कुछ स्पेशल बना लूँ। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्लूनरी स्किल्स। इसका मतलब ये है कि उस रात को जब, जिस दिन ईश्वरन ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, दैट नाइट, उस रात महेंद्र ने बहुत ही डिलीशियस खाने का मजा लिया, ईश्वरन की भोजन बनाने की कला की उसने क्या की, कॉम्प्लीमेंटेड भी किया, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा भी की। तो यहाँ पर क्लीनरी स्किल्स का मतलब है आर्ट ऑफ कुकिंग।
पाक कला जिसको हम कहते हैं। क्लिनरी स्किल का मतलब है खाना बनाने की कला का उसने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट भी दिया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट वो बहुत खुश दिखा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से इसने क्या किया, सुपरनैचुरल जो भूत प्रेत वालों से संबंधित एक अत्यधिक भड़कीला, यहाँ पर है लॉन्च यानी शुरू करना, अ मोस्ट गैरिश, गैरिश का मतलब है बहुत ही भड़कीला, अकाउंट यानी वृतांत कोई भी वर्णन करना उसने शुरू कर दिया, जिसमें सुपरनैचुरल भूतों से जो कहानी शुरू होती है उसने वो स्टार्ट कर दिया। ओके, अब हम जो ये जो अकाउंट उसने स्टार्ट किया है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।